all of us ladies have been dealing with period problems for so many years like स्टेन्स रैशेज लीक एंड वॉट नॉट उसके ऊपर से क्रैम्स क्रेविंग्स तो अलग ही चीज़ है तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था वेर एन आई शेयर विद यू ऑल माई पीरियड किट तो उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे एंड यू गाइज वो इंटरेस्टेड टू नो दैट वॉट आई प्रेफर यूजिंग ऑन माई पीरियड्स एंड मी बींग अ पर्सन जिसने सब कुछ ट्राई कर लिया है बी इट पैड्स बी इट डिस्पोजबल पीरियड पैंटीज री यूजल पीरियड पैंटीज मैंट्रोअल कप एवरी थिंग आई यूज एंड फाइनली आई i have picked my favorite and i am not switching anytime soon so that is what we are going to talk about in today's video so if you are also a person who is struggling with your periods, आपको अभी नए नए शुरू है या बहुत साल से आप डील कर रहे हैं स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द पीरियड प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन सब में से बेस्ट क्या है एंड इन सारे ही प्रोडक्ट्स के

Until it was not. Mera office khola. I wore it to the office once and oh my god the trash that you get to empty and then reinsert it in a public washroom been there once and never again like hi zyada difficult. Hota hai. just imagine being in that situation how are you going to dump it wash it reinsert it it just gets very 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 difficult so now menstrual cups are comfortable are use karna utna hai difficult ho jata hai if you're out for a very long time so then i switched आपको कोई स्टेन का लीक का प्रॉब्लम होगा ही नहीं यू गेट लाइक थ्री सिक्सटी डिग्री प्रोटेक्शन बस उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है दैट सॉर्ट इज जस्ट डिस्कस्टिंग लॉन्गर यू हैव पीरियड है वेरी वेरी इक्की तो इसीलिए आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट रीयूजबल पीरियड पैंट इज बिकॉज इट इज कांड ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट बट अदर देन द प्लास्टिक एंड द कॉटन यू गेट इट इन नॉर्मल यू नो फैब्रिक तो मुझे वो ट्राई करना था काफी सारे एड्स इंस्टाग्राम पे आ भी रहते आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड पीरियड पैंटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज वेन आई केम अक्रॉस महीना एंड दिस वॉज सच अ गेम चेंज अर प्रोडक्ट फॉर माई पीरियड इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को मैंने अपडेट किया था आई वॉज ट्राइंग एट आउट दिस मंथ एंड आई ऐसे पैकेजिंग में आता है दिस इज पेपर पैकेजिंग एंड इसके अंदर यू गेट दिस प्लास्टिक वाला पैकेजिंग अगैन इट इज लाइक कंपोस्टेबल बायोबेस्ड प्लास्टिक विच विल नेचुरली डिग्रेड इन टू टू थ्री इज सो दिस ब्रांड इज वेरी नेचर फ्रेंडली And then inside it, this is what the product looks like. It is like a very, very soft fabric, like normal underwear. Jaisa hai, but it is a hero product for your periods. So this is the normal panty, and this is the gusset. till here, so you can imagine the coverage that you're getting. And this is a three-layer gusset, which is the MVP of this product. Its absorbency is so good, good that even when the पीरियड डिस्चार्ज इज बींग्जॉर्ब ह्यूर आपको इस साइड पे कोई स्टेनिंग देखने को नहीं मिलेगी एंड ऑल्सो दिस प्रोडक्ट हैज दीज बॉन्डेड सीम्स इफ यू कैन सी इसके वजह से साइड लीक्स का कोई चांस ही नहीं है लाइक आई ट्राइड इट आउट वेल लाइक दिस इज अ रफ एंड टफ प्रोडक्ट मैंने इसे घर पे बैठ के ट्राई किया आई वेंट टू माई अकेडमी विद दिस एंड इट जस्ट हेल्थ स्ट्रांग थ्रू एवरी थिंग And the fabric of it is so soft that you will not feel like you are wearing anything extra. It just feels like your normal, regular underwear. I love that I can wear these uh, underwear ghar pe bahar. जिम में ट्रैवल पे कहीं भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ एंड देर इज नो टेंशन ऑफ यू नो चेंजिंग एनी थिंग फील भी नहीं होगा दैट यू आर ऑन योर पीरियड यू विल बी कंप्लीटली ड्राई डाउन देर एंड देर विल बी नो सॉगी फीलिंग वॉटर प्लस देर नो रैशेज एट ऑल लाइक बिल्कुल रैश फ्री एकदम डिस्कम्फर्ट फ्री पीरियड रहा था इस पूरे महीने चार दिन इसको ट्राई किया एंड ओ माई गॉड वॉट अ फीलिंग इट वॉज एक चीज साइकोलॉजिकली कह लो दिमाग की कह लो बट बिकॉज इट वॉज ब्लैक आई वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग एंड उसके वजह से ना आफ्टर अ पॉइंट लाइक आफ्टर द फर्स्ट डे आई इवन फॉर गॉड दैट आई वॉज ऑन माई पीरियड बिकॉज आई वॉज इन फीलिंग एनी डिस्कंफर्ट इट वॉज सो कंफर्टेबल आई वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग उसके वजह से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था एंड फर्स्ट डे के बाद एनी वेज आई डोंट गेट एनी क्रैम्स और एनी थिंग सो माई पीरियड्स वर रियली रियली कंफर्टेबल थैंक्स टू दीज अनवेयर And now let's just talk about the amount of waste that you're reducing. because you Trust me, you all know and you all will agree with period products. They generate a lot of waste. Be it pads, be it disposable period panties, bohats other waste. प्रोड्यूस होता है इसके वजह से वो सब रिड्यूस हो जाएगा मेंस्ट्रुअल कप में भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता एज सच बट देन अगेन एज आई मेंशन दे आर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन यू वेयर देम आउटसाइड फॉर दैट मैटर दिस इज अ रियली गुड एंड कंफर्टेबल प्रोडक्ट जिसके साथ के आपका वेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है साथ में लेट्स टॉक अबाउट द मनी दैट आई हैव सेव्ड अगर आप मैथ्स करोगे ना पीरियड प्रोडक्ट्स आर लाइक एक्स महीने में इसको सिर्फ चार दिन यूज करना है एंड दिस लास्ट हंड्रेड वॉशेज। तो जस्ट डू द मैथ्स की बारह सौ रुपए में आपके कितने महीनों के और कितने सालों के पीरियड्स निकल जाएंगे लाइक इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट यू जस्ट बाई टू पैंटीज एंड यू जस्ट स्विच बिटवीन द टू आप इसको बहुत आसानी से वॉश कर सकते हो हैंड वॉश कर सकते हो मशीन वॉश कर सकते हो दोनों मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ एंड इट इज जस्ट वेरी वेरी इजी टू क्लीन बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा इट माईट फील डिस्गस्टिंग इट डज नॉट ट्रस्ट मी इट डज नॉट पहले मुझे भी लग रहा था देट वॉज माई ओनली कंसर्न बट इट डज नॉट इट इज जस्ट वेरी वेरी इजी टू क्लीन एंड ईजी टू यूज बस इसका एक ही स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वाज दैट that...

मुझे नहीं लगता कि इस एक चीज के अलावा कोई भी ऐसी चीज है जो मैं आपको इसके कॉन्स में बता पाऊं बिकॉज इट इज जस्ट वेरी कंफर्टेबल एंड आई वुल रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव इट अ ट्राई वंस एंड सच में योर बॉडी विल थैंक यू एंड यू थैंक मी लेटर ओके अगर अभी तक भी आप कंफ्यूज हो कि आप पीरियड्स में कौन सा प्रोडक्ट ट्राई करो जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा एंड यू आर स्टिल स्विचिंग बिटवीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो ट्रस्ट मी जस्ट गिव दिस अ ट्राई बाय टू पेर स्विच बिटवीन देम एंड ये आपको कितने साल तक चलेगा आप सोच भी नहीं सकते इट इज वेरी कम्फर्टेबल एंड थैंक्स टू द टीम महीना देट दे ब्रॉट सच गुड प्रोडक्ट इन टू माई लाइफ आई एम जस्ट सो हैपी एंड आई प्रोसिस आई एम नॉट स्विचिंग एवर अगेन क्योंकि मैं डिस्पोजबल पीरियड टाइम यूज कर रही थी एंड इट वॉज एक्सपेंसिव बाई हर महीने मेरे को तीन सौ चार सौ रुपए का खर्चा हो जा रहा था बट दिस इज लाइक रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट सो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट गो बाइट फॉर योर सेल्फ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर देट यू गव यस दैट वॉज इट फुट डे इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स प्रस में छोड़ सकते हो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड आई सी यू सुपर सुपर सुन इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टिले सेफ स्टेल्दी बाय बाय